डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है सिस्टम मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज साइंटिस्ट पोलिटिकल डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेजिडेंशियल सिस्टम आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं गवर्नमेंट इन विच द प्रेजिडेंट द चीफ एग्जेक्टिव एंड इसेक्टली द पीपल तो प्रेजिडेंशियल क्या है डेट फॉर्म ऑफ गट इन प्रेजिडेंट इज दीफ एग्जेक्टिव एंड डायरेक्टली बाई द पीपल तो जो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गोरमेंट होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो प्रेजिडेंट होता है वो चीफ एग्जिव होता है और वो एज ऑफ द स्टेट और गोरमेंट जो है वह अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता है और ही इज अलेक्टेड डायरेक्टलीटली तो जो प्रेजिडेंट होता है उसको जो है वो वोटर्स आवा मुंतख करते हैं और मंतखब करने का तरीका डेट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम आल द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एक्सटिव एंड जुडिशरी आर कंस्टिट्यूएंटली सेपरेटेड एंड इंडिपेंडेंट फ्राम ईच अदर एंड नो ब्रांच कैन डिसमिस एंड डिजॉल्व एनी अदर ब्रांच तो दो प्रेजिडेंशियल सिस्टम है इन प्रेजिडेंशियल सिस्टम आर द थ्री ब्रांचिज ऑफ द गवर्मेंट थ्री ब्रांचिज ऑफ द गवर्मेंट क्या है द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द गवर्मेंट इज लेजिलेचर सेकंड इज एक्जिव एंड द थर्ड इज जुडिश्री आर कॉन्स्टिट्यूशनली सेपरेटिड एंड इंडिपेंडेंट तो वो आइन के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अतबार से जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिट्यूशन हर जो ब्रांच ऑफ द गमेंट है लेजिलेचर एक्जीटिव एंड जुडिश्री दैट इज सेपरेटिड फ्राम द अदर ब्रांचिज एग्जेक्टिव जो है उसको लेजिसलेचर से सेपरेट किया गया है जो एग्जेक्टिव है उसको जुडिशरी से तो इन तीनों को जो है इनके जो अख्तियार हैं इनके जो पावर्स एंड फंक्शनस हैं इनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट ईच अदर एंड नो ब्रांच कैन डिसमिस आर डिजॉल्व एनी अदर ब्रांच तो प्रेजिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो तीन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट हैं इनको दूसरे से सेपरेट कर दिया गया है और इसमें कोई भी ब्रांच जो है किसी भी ब्रांच के पास जो है ऐसी पावर या ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो दूसरी ब्रांच को जो है वो डिसॉल्व कर सके या उसको डिसमिस कर सके तो हर ब्रांच जो है वो अपने अपने दैरकार में रहकर जो है वो अपने फ्रैद जो है वो सर अंजाम देती है नेक्स्ट है जी ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज गिवन ए स्पेसिफिक पावर टू चेक एंड बैलेंस द अदर ब्रांचिज जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है बेसिकली इसका जो सेलिंड फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजस्लेचर एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी और uh, एक तरफ जो है इनको इनके अख्तियार जो हैं इनकी पावर्स जो हैं इनके फंक्शंस जो हैं एक दूसरे से सेपरेट कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है कि हर ब्रांच ऑफ़ गवर्नमेंट जो है उसको दूसरी ब्रांच ऑफ़ गवर्नमेंट का केयर टेकर बना दिया गया है निगरान मुकर कर दिया गया है और इस चेक्स एंड बैलेंस की जो थेरी है इसके मुताबिक हर जो ब्रांच है वो दूसरी ब्रांच की निगरानी करती है जो लेजिस्लेचर है वो एग्जैक्टिव की और जुडिशरी की जो है निगरानी करती है जो एग्जैक्टिव है वो जुडिशरी की और लेजिस्लेचर की निगरानी करेगी

कि जैसे ही कोई दूसरा अदारा जो है अपने अख्तियार से तजावज़ करता है तो फिर वो जो निगरान अदारा होगा यानी अगर लजिसलेचर है एग्जेक्टिव है जुडिशरी है तो उसको ऐसा करने से रोक देता है जैसे अमेरिकन कांग्रेस जो है उसको कानून साजी के का अख्तियार दिए गए हैं लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को यह दिया गया है कि अगर अमेरिकन कांग्रेस को ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं होता तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल रिव्यू की पावर इस्तेमाल करके कांग्रेस के उस कानून को वीटो कर सकती है तो इस तरह जो है ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी है साथ-साथ जो है चल रहा है एक तरफ सेपरेशन ऑफ पावर है और दूसरी तरफ जो है चेक एंड बैलेंस है नेक्स्ट स्लाइड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर तो प्रेजिडेंशियल सिस्टम क्या है इज डेट फार्म गर्मेंट इन विच प्रेजिडेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिलेचर तो जो प्रेजिडेंट होता है ही इज़ एलेक्टेड बाई द वोट्स ऑफ द वोटर्स वो लोगों के अवाम के वोटों से मुंतखब होता है उसके इंतबाब का लजस्लेचर के साथ जो है कोई तलक नहीं होता ही इज़ नॉट द मम्बर ऑफ लेजिचर जस्ट लाइक दूसरा पार्लिमेंट्री फॉर्म आफ गेंट के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लिमेंट्री सिस्टम के अंदर वो जो है वो पार्लीमेंट

नहीं है तो वो अपनी मर्जी से आज़ादाना तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिट्स हैं उसके मुताबिक जो है उनतरात का आज़ादाना तौर पर जो है वो इस्तेमाल करता है एग्ज़ाम्पल ऑफ द प्रेजिडेंशल सिस्टम क्या है इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़े प्रेजिडेंशल सिस्टम है उसमें एट द टॉप ऑफ द लिस्ट यू एस ए है ईरान में प्रेजिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है तुर्किया में प्रेजिडेंशल साउथ कोरिया क्यूबा और ब्राज़ील जो है ये वो मालिक हैं जहाँ पे इस वक्त प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है पाया जाता है अमेरिका जा जो है अमेरिकन प्रेजिडेंशल सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ़ आल प्रेजिडेंशियल

तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें सिंगल एग्जेक्टिव का कंसेप्ट पाया जाता है सिंगल यूनिफाइड एग्जैक्टिव होती है यानी तमाम जो एक्जैक्टिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं और उस प्रेसिडेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है तमाम एग्जेक्टिव पावर्स देता है इन ए प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ हेड ऑफ द स्टेट इज बोथ द नॉमिनल हेड ऑफ़ द स्टेट एंड द एज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो जो प्रेज जो प्रेजिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है ही इज हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज ए हेड ऑफ द स्टेट ही इज ए नॉमिनल द स्टेट और एज ए हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट ही इज एक्चुअल एंड रियल हेड ऑफ 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 द गवर्नमेंट और ही ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स तमाम एग्जेक्टिव पावर जो हैं वो उसके पास होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि तमाम जो एग्जैक्टिव पावर्स हैं वो प्रेजिडेंट के पास होंगी तो ही इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें प्रेसिडेंट जो होता है ही वर्क्स एज ए हेड ऑफ द स्टेट एंड आल्सो एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही वर्क्स ओनली एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट और जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो एक और शख्स होता है वो प्रेजिडेंट हो सकता है ही मे बी मनार्क आर प्रेजिडेंट लेकिन प्रेजिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है ये दोनों जो बड़े अहदे हैं हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ दु गवर्नमेंट हैं ये एक ही शख्स जो है वो इन दोनों उहदों को इन्जॉय करता है और एक्सरसाइज करता है तो गोया प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट को ज़्यादा जो है वो पावर्स हासिल हैं और नेक्स्ट सेकेंड फीचर है प्रेजिडेंट परफॉर्म्स आल सेरिमोनियल फिनल स्टेट तो जो प्रेसिडेंट होता है एज ए नॉमिनल से उसको एज एड ऑफ द स्टेट परफॉर्म करता है एंड एक्सरसाइज रियल पावर गीफ एग्जेक्टिव और गोर्मेंट जो है वो रियल और जो एक्चुअल एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं उनको है एक्सरसाइज करता है तो बतौर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नॉमिनल पोजीशन रखता है और बतौर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है उसके पास एक्चुअल पावर हैं और इस सिलसिले में ना तो वो किसी के मशरे का पबंद है ना किसी की एडवाइस का पबंद है और ना ही किसी के सामने वो जवाब दे है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ही इज़ नॉट अनसरेबल टू अमेरिकन कांग्रेस तो इस हवाले से जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है उसको ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल जो है एड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है और नेक्स्ट पॉइंट है जी नंबर थ्री दे आर से सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीटिव इन द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स दैम इंडिपेंडेंट फ्राम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईच अदर तो जो प्रेजिडेंशल सिस्टम होता है उसका जो बेसिक फीचर है वो है थ्री ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो फ्रेंच uh, पोलिटिकल फिलासफर मार्टिसको ने जो है अपनी किताब द स्प्रिट ऑफ लाज में पेश किया था और सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो थ्री ब्रांचेज हैं लेजिस्लेचर है, है एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है तीनों के अख्तियार जो हैं अलग अलग होंगे और तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और तीनों अपने अपने दैराकार में रहकर काम करेंगे और यहाँ क्या कहा है देर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जैक्टिव तो जो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव है उनके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर होगी प्रेजिडेंट का अपना दायराकार होगा और जो लेजिस्लेचर है उसका दायरे अपना होगा और दोनों जो है एक दूसरे के को ऊपर कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर सकते फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स दैम इंडिपेंडेंट फ्राम द इन्फ्लुएंस ऑफ इच अदर तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये दोनों दारों को जो है इंडिपेंडेंट कर देती है और हर दारा अपने अपने अख्तियार को अपने अपने दरअकार के रहकर इस्तेमाल करता है दूसरा दारा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता यानी जो लेजिस्लेचर होती है उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो जो सदर को जो है प्रेजिडेंट को प्रेशराइज कर सके या सदर को उसकी जो टेनोर है उसकी जो मददत है उससे पहले उसको जो है डिजाल्व कर सके और इस तरह अमेरिकन प्रेजिडेंट के पास भी कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो कांग्रेस का जो या लेजिस्लेचर का जो लॉ मेकिंग जो उसका फंक्शन होता है उसको इन्फ्लुएंस कर सके या लेजिस्लेचर को जो है उसकी मुद्दत से पहले उसको डिजॉल्व कर सके तो इस तरह जो है दोनों दायरे जो हैं वो अपने अपने में अपने अपने दरकार में जो है वो इंतहाई पावरफुल हैं बाख्तियार हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनको है, 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 है. है, जो है सरसे में जो है मुकम्मल जो है प्रोटेक्शन देता है नंबर फोर फीचर है प्रेजिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल एंड अनसरेबल बिफोर द लेजिस्लेचर जो प्रेजिडेंशल सिस्टम होता है इसमें जो एक मेन फीचर है कि प्रेजिडेंट होता है ही इज नॉट अकाउंटेबल एंड अनसरेबल अवेलेबल बिफोर द लेजिस्लेचर तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करने के सिलसिले में अपने फंक्शन के सिलसिले में जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सर अंजाम देता है उस सिलसिले में वो लेजिस्लेचर के सामने आंसरेबल नहीं है और ना ही लेजिस्लेचर जो है उसकी जो आप तलबी करके उसको उसके अहदे से रिजॉल्व डिजॉल्व कर, कर उसका उसका, उसका प्रेजिडेंशियल जो है टनोर जो है उसको कम कर सकती है या ख़त्म कर सकती है तो इसलिए उसकी जो टेनोर है वो इंतहाई सिक्योर है और वो अगर वो चार साल के लिए मंतख होता है तो उसको इस बात का कोई ख़तरा लाख नहीं होता कि अमेरिकन कांग्रेस जो है किसी भी वक्त जो है उसको जो है ब्लैक मेल कर सकती है चीज़ों को पोलिटिसाइज़ करके उसको मुकदम मुदत से पहले बरतरफ कर सकती है तो अमेरिकन सदर जब मंतखब हो जाता है तो उसको कम अज़ कम ये तसली होती है उसको ये यकीन होता है कि अब मैं चार साल के लिए आया हूँ तो चार साल से पहले जो है मुझे मुझे उहदे से हटाया नहीं जा सकता कांग्रेस उसके ऊपर जो है असरअंदाज नहीं हो सकती इसलिए वो इतनी तसली के साथ जो है अपनी जुम्मन सर अंजाम दते हैं बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें प्रेसिडेंट जो होता है ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द वोटर्स आवाम के वोटों से जो है बराह मंतख होता है या इन डायरेक्टली मंतख होता है कांग्रेस का जो है लजस्लेचर का जो है अमेरिकन प्रेजिडेंट के इलेक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं है चूँकि वो कांग्रेस का या लजस्लेचर का मेम्बर नहीं होता सो ही इज़ नॉट आंसरेबल और अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर तो इसलिए इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी जुम्मेदारियाँ अपने फंक्शन जो है सर अंजाम देता है नंबर फाइव

और अमेरिकन सेनेट जो है वो वैसे ही परमानेंट है एंड द मेंबर्स ऑफ द अमेरिकन सेनेट आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ सिक्स ईयर्स तो ये फिक्स है इनको उस फिक्स जो टर्म है इनकी है यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट की अगर टर्म चार साल है तो उसको चार साल से पहले उसके उदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता और अगर अमेरिकन जो हाउस ऑफ रिप्रजेंटिवस है यवान नमेंदगान है जो लोअर हाउस है अमेरिकन कांग्रेस का उसकी टर्म जो है दो साल है तो उसको दो साल से पहले जो है डिजार्व नहीं किया जा सकता और सेनेट ऑलरेडी जो है परमानेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसको भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता इसका इसका फायदा ये होता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है कैम होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट कैम होती है और उसमें ये खौफ या ख़तरा नहीं होता कि किसी वक्त भी जो है उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है जबकि इसके अपोजिट जो है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो इस हवाले से काफ़ी कमज़ोर होता है क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी भी कोई टैनोर फिक्स नहीं होती और जो नेशनल असम्बली होती है लोअर हाउस होता है उसको प्राइम मिनिस्टर किसी वक्त भी डिजॉल्व कर सकता है और इसके अलावा जो है जो नेशनल असम्बली होती है जो लोअर हाउस होता है वो जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वकी मुकदर मदद से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके जो है बरतरफ कर सकता है है तो इसलिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको ज़्यादा स्टेबल ए, सिस्टम जो कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें जो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर है दोनों की जो टर्नओवर होती है वो फिक्स कर दी जाती है नंबर सिक्स फीचर है ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैबिनेट वर्क्स एज द एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्रेजिडेंट तो जो प्रेजिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो कैबिनेट होती है डेट वर्क्स एज द एडवाइसरी बॉडी या एडवाइसरी काउंसिल वो मुशावरती काउंसिल होती है वो सदर के बिहाफ के ऊपर जो है काम करती है कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स हु अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसको कैबिनेट कहा जा सकता है वो उसके तमाम जो मेंबर्स होते हैं वो दे आर दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा मॉडल इस वक्त अमेरिका में है तो वो तमाम जो मेम्बर्स होते हैं कैबिनेट के या एडवाइजरी बॉडी के वो कौन उनको अपॉइंट करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब चाहे उनको रिमूव भी कर सकता है और वो ऐसे एडवाइजरी काउंसिल काम करती है अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन तमाम जो एग्जैक्टिव पावर्स होती हैं वो प्रेजिडेंट को देता है उसके बाद प्रेजिडेंट जो है वो अपनी एडवाइजरी काउंसिल जो है वो उसका चुनाव करता है उसकी अपॉइंटमेंट करता है और एडवाइजरी काउंसिल जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिकन उसकी जो पावर्स होती है और उसको रिमूव कर सकता है, और उसके में अमेरिकन है वो किसी के सामने भी जवाबदेह नहीं है ना किसी अदालत के सामने जवाबदेह है ना वो कांग्रेस के सामने जो है वो वो जवाबदेह है और नेक्स्ट पॉइंट है नंबर सेवन नंबर सेवन पॉइंट हमारे पास है सेवन के स्पेलिंग आप देख लीजिएगा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है

उसकी पॉलिसी से उसके डिसीजन से उसकी कारकर्दगी सेटिस्फाई ना हो तो वो जब चाहे उसको रिमूव भी कर सकता है और नेक्स्ट जी एवरी कैबिनेट मेंबर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू तो कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज़ ऑफ द गर्मेंट और यहाँ गवर्नमेंट से मरादा है प्रेसिडेंट और जो कैबिनेट होती है कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो उसने जो डिसीजनस किए हैं उनको जो है वो अमली शक्ल दे और अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर है, उनको नाफज करके गलका डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन कैम करें और उसको जो है रन करने की जो है कोशिश करें और नेक्स्ट है नंबर एट नंबर एट फीचर ऑफ द प्रेजिडेंशियल सिस्टम क्या है प्रेजिडेंशियल प्रेसिडेंट इज़ द रियल मास्टर ऑफ द कैबिनेट तो एक कैबिनेट होती है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है एक कैबिनेट है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है ही इज़ ऑल इन ऑल अपनी कैबिनेट के बारे में वो तमाम अख्तियार रखता है और अमेरिकन जो कैबिनेट होती है प्रेजिडेंशल सिस्टम के अंदर वो बेसिकली एक्चुअली जो है वो सदर के रहम करम पर होती है प्रेसिडेंट के रहम करम पर होती है और वो जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं उनका अपना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बड़ा असर उसुख होता है और वो किसी वक्त भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ब्लैक कर सकते हैं या उसको उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं लेकिन प्रेजिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो तमाम कैबिनेट मेम्बर्स होते हैं एडवाइजरी काउंसिल के जो मेबर्स होते हैं दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द प्रेजिडेंट तो वो प्रेसिडेंट की एडवाइस के मुताबिक काम करने के पबंद हैं और वो किसी तरीके में भी, भी वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते देखिएगा दोबारा प्रेसिडेंट इज द रियल मास्टर मास्टर ऑफ द कैबिनेट है वो ही इज द दम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ़ द अपॉइंटिंग एंड रिमूवल ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है ही इज कंपिटेंट अथॉरिटी है कैबिनेट की वो जब चाहे किसी को अपॉइंट कर सकता है इन कैबिनेट और जब चाहे किसी को कैबिनेट से रिमूव कर सकता है और मैंने पहले कहा कि सिलसिले में वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है ना किसी अदालत के सामने जवाबदेह है ना कांग्रेस के सामने जवाबदेह है तो वो जिसे चाहे उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है कि वो जिसे चाहे अपनी कैबिनेट का हिस्सा बना सकता है और जिसे चाहे जब चाहे अपनी कैबिनेट से जो है उसको रिमूव भी कर सकता है और नंबर नाइन फीचर ऑफ द कैबिनेट प्रेसिडेंशियल सिस्टम है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट पर्संस इन हिज कैबिनेट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अब उसकी पावर्स देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है उसका उसकी उसका जो पावर्स हैं वो उसका अंदाजा लगाएं कि वो किसी भी शख्स को अपनी स्टेट में से किसी भी शख्स को चाहे उसका तल्लक रूलिंग पार्टी के साथ है या अपोजिशन पार्टी के साथ है तो वो उसको अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके उसकी मजबूरी होती है कि उसने एक तो पार्लियामेंट के अंदर से अपनी कैबिनेट लेनी होती है दूसरा वो अपोजिशन से किसी शख्स को नहीं मुमकिन है अपोजिशन के अंदर जो है एक बहुत अच्छा शख्स हो जुम्मनदार शख्स हो जहीन शख्स हो और वह किसी खास मिनिस्ट्री को चलाने की बड़ा स्किल रखता हो लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कभी भी जो है शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं करेगा लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें अगर प्रेसिडेंट ये समझता है कि ये ये शख्स जो जो अपोजिशन से जिसका है 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 लेकिन के लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। या फलां मिनिस्ट्री उसको चलाने में ये बड़ा जो है वो मुफीद साबित हो सकता है इसके अंदर पास बड़ा स्किल है बड़ी एबिलिटी है तो क्या करेगा अपोजिशन के उस शख्स को जो है अपनी कैबिनेट का जो है हिस्सा बना लेगा तो इस तरह जो है अमेरिकन प्रेजिडेंट के पास चाइसिस बहुत ज्यादा हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है जब अपनी कैबिनेट की सिलेक्शन करता है तो उसके पास चाइसेस बड़े लिमिटेड होते हैं दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको पार्लियामेंट के अराकीन में से जो है और पार्लियामेंट के अराकीन में, में से उनमें से जो उसकी पार्टी के मेंबर होते हैं उसमें से अपनी कैबिनेट लेना पड़ती है जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरी रियासत में से किसी भी शख्स को और पूरी रियासत में से किसी भी शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है वो चाहे तो कांग्रेस लेजिस्लेचर से ले सकता है और चाहे तो किसी आम शख्स को जो कांग्रेस का मेंबर नहीं है वहां से भी ले सकता है तो उसके पास चॉइसिस बहुत ज्यादा होते हैं और जब चॉइसिस बहुत बढ़ जाते हैं तो वो एक अच्छा फैसला करने की पोजिशन में जो है वो आ जाता है और वो आसानी के साथ एक बेहतरीन शख्स का जो है चुनाव कर लेता है ही हैज द राइट टू चूज एंड अपॉइंट इन हिस्स टीम द मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिस तो वो दीगर जो हाई अफसर होते हैं जो मैकन प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो जाता है और अपना उदा संभाल लेता है तो कई बड़े अफसर के अंदर जो है मुख्तलिफ जो एम्बेसडर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करता है चीफ्स की जो है वो अपॉइंटमेंट्स करता है और इसके अलावा अपनी कैबिनेट की वो जो है वो अपॉइंटमेंट करता है इसके अलावा मुख्तु जो अहम अदारे हैं उनके जो चीफ होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट करता है तो इस सिलसिले में उसको जो है ज़्यादा पावर्स दी गई हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास टेंथ ये टेंथ फीचर ऑफ़ द प्रेजिडेंशल सिस्टम है कैबिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फोर प्रेसिडेंट जो कैबिनेट होती है वो प्रेसिडेंट के सामने जवाबदेह है वो कांग्रेस के सामने या लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह नहीं है जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो कैबिनेट होती है और जो प्राइम मिनिस्टर इवन खुद प्राइम मिनिस्टर होता है दे आर रिस्पांसिबल एंड अनसरएबल टू द पार्लियामेंट तो यहाँ पार्लियामेंट का कोई ऐसा चक्कर नहीं है यहाँ पे तमाम जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं और कैबिनेट इस रिस्पॉन्सिबल बिफोर द प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट के सामने जवाबदेह हैं प्रेसिडेंट के अलावा किसी के सामने जवाबदेह नहीं है इसलिए यहाँ पे जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना हो तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो फिक्स की जा सकती है और नेक्स्ट पॉइंट है जी नेक्स्ट एलेवंथ पॉइंट है ये आप खुद नोट कर लीजिएगा एलेवंथ पॉइंट है फीचर है द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कैबिनेट के ऊपर जो है या कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर जो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स करता है जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैबिनेट के ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करता है तो इस हवाले से जो है जो इंडिविजुअल जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें तमाम जो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट है they are individually responsible and answerable to the president wo president ke samne answerable hain aur individually answerable hain individually responsible hain unke upar koi collective responsibility jo hai wo impose nahi hoti he can remove them without any signing any reason तो american president जो है वो किसी भी जब minister को या अपने secretary को जो है वो करता है remove करता है तो उसके सिलसिले में उसको कोई ये वजह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुमने तो ये काम किया तो वो कह सकता है आप मुझे

जो जो कैबिनट होती है उसको पार्लियामेंट का खौफ होता है कि पार्लियामेंट उसके जो कि वहाँ अपोजिशन बैठी होती है तो अपोजिशन उससे सवालात करती है उन पर तनकीद करती है उनको उनसे जवाब तलबियाँ करती है तो वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी जो इंडिविजुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिक्स करना भी मुश्किल हो जाता है क्लेक्टिव ज़म्मेदारी है वो कहते हैं जो काम सब का होता है वो किसी का भी नहीं होता तो देखिए प्रेजिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है ये फीचर जो है ज़्यादा जो है बेहतर है कि यहाँ पर आप इंडिविजुअल लोगों को जो है वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं और उनसे जवाब तलबी कर लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है यूएसए तो ट्वेल्थ बनता है आप इसको नोट कर लीजिएगा दे आर इज नो सच थिंग एज कलेक्टिव ऑफ मिनिस्टर्स एज दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेजिडेंट तो ये बात हो चुकी है कि जो प्रेजिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके उनके ऊपर जो है वो कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह ऐद नहीं होती दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेजिडेंट तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सब हर हर जो कैबिनेट मेंबर है हर जो एडवाइजरी काउंसिल का जो मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली जो है प्रेसिडेंट के सामने जवाब दे है और प्रेजिडेंट उसकी जवाब तल कर सकता है उससे उससे सवाल पूछ सकता है और अगर उससे सेटिस्फाई ना हो तो उसको रिमूव कर सकता है तो उससे दीगर जो जो मिनिस्टर्स होंगे वो उससे मुतासर नहीं होंगे जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर एक वजीर की से पार्लियामेंट जो है वो सैट्सफाई ना हो तो उससे पूरी कैबिनेट जो है वो जो है डिजॉल्व हो सकती है या पूरी कैबिनेट उससे मुतासर हो सकती है और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं यहाँ पे डी एस स्टूडेंट इस वीडियो का अहमाम होता है आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडाइच पोलिटिकल साइंटिस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग मे यूट्यूब चैनल अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है और आपका फीडबैक जो है वो हमें गाइड करता है कि आपने काम की नोयत क्या है काम का स्टैंडर्ड क्या है तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है हमें अपना नेक्स्ट काम करना होता है इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज़